अरे तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अभी जो हमने देखी थी वो तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से थी हमारी प्रिपरेशंस। अब हम एक और प्रिपरेशन देखेंगे जो कौन से मेथड से हैं, हाइड्रो। सर आपकी आवाज कट रही है, शायद मेरा इंटरनेट। आवाज सही आ रही है मेरी या कट रही है भाई? बता दो कोई, आवाज सही आ रही है? सर हाइड्रोलाइट। डायरेक्ट हाँ इसे एक दफा डायरेक्ट रिपीट कर दें, डायरेक्ट मैं कॉम्बिनेशन का डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बेटा, देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट प्रिपरेशन यानी कि प्रिपरेशन बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो एलिमेंट, जो कंपाउंड बेसिकली हमें बनाना है ना, जो कोवलेंट हाइड्राइड का कंपाउंड है, उसमें दो एलिमेंट्स होंगे। बाइनरी कंपाउंड्स आर नोन एज द हाइड्राइड्स। तो दो एलिमेंट्स होंगे, उन दोनों एलिमेंट्स को डायरेक्टली आपस में रिएक्ट करा दो। जैसे मीथेन बनाना था तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना था तो हाइड्रोजन और सल्फर, दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया। अमोनिया बनाना था तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया। लेकिन रेशोज रख लीजिएगा आप, इनके नंबर्स को जरा देख कर रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं आगे हाइड्रोलाइटिक मेथड के ऊपर। व्हाट डज दिस मीन? अब देखो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बाइड, इसे मैंने रिएक्ट करा दिया है वाटर के साथ, यानी कि 2H2O के साथ। रिएक्शन की सूरत में मेरे पास दो चीजें बनेंगी भाई, एक तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ मेरे पास एक चीज बन जाएगी C2H6। सॉरी, कितने बचेंगे? दो बचेंगे। तो ये आपके पास एक कंपाउंड बन गया C2H2। आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे कि आपने कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट कराया वाटर के साथ। जैसी रिएक्ट कराया तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो गई और साथ साथ एक गैस बन गई। कोई मुझे बताएगा इस गैस का नाम क्या है? ये जो सब्सटेंस बना है C2H2, इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तुम लोग या नहीं पढ़ रहे आजकल? सही आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सीरीज पढ़ लिया या नहीं पढ़ा अभी तक? सर पढ़ रहे हैं। सर पढ़ लिया। पढ़ लिया। अल्काइन पढ़ ली? अल्काइन यस सर। कोई जनरल लिया? यस सर। इथाइन है ये। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का? CnH2n-2। दैट्स गुड। CnH2n-2। CnH2n-2 आपका एक जनरल फॉर्मूला है। तो CnH2n-2 के हिसाब से C2H2 बन जाएगा। दिस थिंग इज नोन एज द इथाइन। क्या कहलाती है भाई ये? इथाइन कहलाएगी। बात यहां तक क्लियर है? तो ये आपने देखा अपने पास हाइड्रोलाइटिक मेथड। एक और हम देख लेते हैं हाइड्रोलाइटिक मेथड से अपने पास। देखो भाई, अब हमारे पास क्या चीज जनरेट हुई? हमारे पास था एल्यूमिनियम कार्बाइड और हमने इसे रिएक्ट कराया वाटर के साथ, पानी में मिला दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और साथ साथ क्या जनरेट हो गई? मीथेन। ये कहलाते हैं हाइड्रोलाइटिक मैथ। आवाज आ रही है मेरे बच्चों? तो ये हाइड्रोलाइटिक मेथड्स थे जो हमारे पास होते हैं, जिनके थ्रू हमारी प्रेपरेशंस हो रही होती हैं। आपने देखा, आपने सब्सटेंसेस को पानी के साथ मिलाया और पानी के साथ मिलाने की सूरत में आपके पास कुछ नए सब्सटेंसेस बने, लेकिन साथ साथ कुछ कोवलेंट हाइड्राइड्स भी आपके पास बनकर तैयार हो गए। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, सब लोग अपने साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठे हुए? Yes, sir. सही yes, है, सही है। That's good, that's good. अच्छी बात है। ये हमारी preparations तो हो गई भैया। अब हम बात कर लेते हैं अपने पास properties की। तो जरा कुछ मैं shortly points बता रहा हूँ, मतलब I'm just saying the key points। मैं आपको keywords बताऊंगा उनके, आप उनको लिख लीजिएगा ताकि आपको properties समझ में आ जाएं। They are the colorless gases. Majorly they are the colorless gases. Properties लिख रहे हैं हम। पहला point है, दे आर द कलरलेस गैसेज।
यानी कि ये जो जितनी गैसेस हैं मेजॉरिटी, ये सारी कलरलेस गैसेस हैं. कैसी गैसेस हैं भाई? कलरलेस गैसेस. बात क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर द वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स. They are the weak reducing agents. आगे चलें. जी सर. आगे चलते हैं. देखिए जरा, हमारे पास बताया जा रहा है भाई कौन से हाइड्राइड्स है. कोई जरा नाम बता दे मुझे इन हाइड्राइड्स का. कोवेलेंट हाइड्राइड्स. प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग है इनके अंदर या नहीं? यस सर, होगी. होगी सर. होगी क्या मतलब यार? होगी क्या मतलब? देखो मेरे सर, नॉन पोलर के अंदर होगी. बाकी जगहों पे आपके पास पार्शियल इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप इसे, सही है, या पार्शियली आयनिक कह सकते हैं आप इसे. कोवेलेंट का एक फैक्टर पाया जाएगा, यानी कि मेजरली हम इन्हें कोवेलेंट कंसिडर करते हुए चल रहे हैं. जो भी बात कहते हैं, हमेशा मेरे एक टीचर हैं, अल्लाह में उनको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमेशा सर रहते शाम, इंग्लिश पढ़ाते हैं हमें, मतलब पढ़ाते थे, मतलब इंटर में पढ़ाई है. तो वो हमेशा एक बात ये कहते थे कि जो भी बात करो जिंदगी में फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो. कभी भी नहीं, हाँ शायद, देखा जाएगा, पता नहीं, हो सकता है, शायद, ये वाला सीन नहीं करा करो. हमेशा कॉन्फिडेंट हो गए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए जवाब दो. खैर बहरहाल, तो अगर ये कोवेलेंट है तो लाजमी बात है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होंगे? लो होंगे. तो लिख लीजिए जल्दी से अगला पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो. देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो. अब जरा हम कुछ बात कर लेते हैं इनके करेक्टर्स के ऊपर कि इनके करेक्टर्स कैसे हैं. देखो हमारे पास ग्रुप नंबर 4 है, ए 5 ए 6 ए 7 ए. हमारे पास ये ग्रुप्स हैं. इन सारे ग्रुप्स के जो हाइड्राइड्स बनते हैं, इन हाइड्राइड्स के नेचर एक दूसरे से अलग अलग हैं. यानी कि अगर मैं बात करता हूं आपसे ग्रुप नंबर 4A के हाइड्राइड्स की, तो इनका जो नेचर है वो आपके पास होता है न्यूट्रल. ग्रुप नंबर 5A के हाइड्राइड्स की बात करूं तो ये आपके पास पाए जाते हैं बेसिक नेचर के. ग्रुप नंबर 6A के हाइड्राइड्स की बात करूं तो आपके पास ये पाए जाते हैं एम्फोटेरिक नेचर के. और ग्रुप नंबर 7 के हाइड्राइड्स आपके पास पाए जाते हैं एसिडिक नेचर के. ये चार नेचर्स हैं, ये भी प्रॉपर्टीज का ही एक पार्ट है. बताया क्या जा रहा है इनके अंदर, कहा जा रहा है ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैव द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. यानी कि अलग अलग ग्रुप्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं, सही है. अब उन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपके पास क्या सिनेरियो है कि ग्रुप नंबर 4 जो है उनके हाइड्राइड्स न्यूट्रल फॉर्म के होंगे, ग्रुप नंबर 5 जो है उनके हाइड्राइड्स बेसिक तरह के होंगे, ग्रुप नंबर 6 के हाइड्राइड्स एम्फोटेरिक होंगे, ग्रुप नंबर 7 के हाइड्राइड्स आपके पास एसिडिक नेचर के होंगे. ग्रुप नंबर 7 में बनने वाले हाइड्राइड्स का जरा कोई नाम बताएगा मुझे क्या होता है? HCl. HCl है, HF है, HI है. They have the acidic nature or not? Yes sir, acidic है. आओ ऊपर आओ, group number 6 में आओ. Group number 6 के किसी hydride का सबसे common oxygen family hydride बता दो उसका कोई. H2O. Water. पानी सबसे. पानी का nature कैसा है? Amphoteric nature. Amphoteric है. क्यों, कैसे पता चला? हम आज तक ये समझते आ रहे हैं कि पानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है. 10 बार बोलते हैं अपने मुंह से दैट वाटर इज न्यूट्रल, बट वाटर इज नॉट न्यूट्रल, वाटर इज एम्फोटेरिक. कैसे, क्यों, कैसे पता चल रही है ये बात? देखो पानी को जब एसिड में, हाँ बोलो बेटा, डिफरेंट रिएक्शंस में पता चलता है कभी जो होता है वो एच नेगेटिव आयन वो करता है रिलीज, और समटाइम्स ओएच पॉजिटिव आयन, तो उससे पता चल जाता है कभी वो बेसिक बेसिक बन के रिएक्शन में पार्ट लेता है, कभी कौन कौन कौन, पानी 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 वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव करता है. आपने बोला ना OH पॉजिटिव, उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी. तो कोई बात नहीं बेटे, देखो सीन पता है क्या है इसमें,
इसकी एम्फोटेरिक नेचर की वजह बताऊं. एम्फोटेरिक कहते हैं एक ऐसे सब्सटेंस को जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज रख रहा होता है. सही है. अब सीन ये है कि पानी को मैंने डाल दिया एसिड में, तो वो क्या करता है उसके साथ, उसकी कंसेंट्रेशन के साथ क्या करता है, एसिड की कंसेंट्रेशन के साथ पानी क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, डाइल्यूशन की तरफ ले जाने लगता है, यानी कि उसकी ताकत को कम करने लगता है. और एसिड की ताकत को कम करने वाली सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है बेस. ऐसे ही है या गलत कह रहा हूँ मैं? बेस. ऐसे ही है, गलत कह रहा हूँ? जी सर. तो जब एसिड की ताकत को बराबर करने के लिए बेस है और मैं पानी डाल रहा हूँ, तो पानी उसकी ताकत को कम कर रहा है, तो पानी क्या हुआ, पानी क्या हुआ इस वक्त? बेसिक. बेसिक हुआ. लेकिन मैंने उसी पानी को जब किसी बेस के अंदर डाला, तो बेस की ताकत यानी कि बेस की कंसेंट्रेशन भी कम होने लगी, बेस भी डाइल्यूट होने लगी. लेकिन बेस को डाइल्यूट करने के लिए मेरे ध्यान में आता है कि सिर्फ एक ही चीज है, और वो कौन सी है? एसिड. एसिड. तो पानी इस वक्त बेस में कैसे काम कर रहा है मेरे बच्चों? एसिडिक काम कर रहा है. तो पानी कभी एसिड, पानी कभी बेस, तो क्या कंसिडर किया जाए पानी को? न ही में न शी में. तो फिर मामला तो गैर हो गए ना इसके. तो इन गैर मामला को एक नया नाम दे दिया गया, न्यूट्रल. नहीं कह सकते न्यूट्रल, मतलब वो होता है जो कुछ भी नहीं करे. न्यूट्रल वो है जो कुछ भी नहीं करेगा. बात समझ रहे? न्यूट्रल वो है जो कुछ भी नहीं करेगा. वॉटर को न्यूट्रल आप कहते हैं ऑन द सेंस ऑफ लिटमस पेपर, क्योंकि जब आप लिटमस पेपर को वाटर में डालते हैं ना, तो रेड रेड ही रहता है और ब्लू ब्लू ही रहता है. क्योंकि इस बात की गवाही अभी एक बच्ची ने दी थी, उन्होंने कहा था कि सर वाटर जो है वो एच पॉजिटिव आयंस भी रखता है और OH नेगेटिव आयंस भी रखता है, इसी की वजह से लिटमस पेपर के कलर तो बदल नहीं पाते. और यही वजह होती है कि वो पानी जो है वो एसिड के अंदर बेसिक और जो है वो बेस के अंदर कुछ एसिडिक सॉल्ट में रिएक्ट कर रहा होता है. इसी वजह से इसका ड्यूअल नेचर की वजह से कहा जाता है इसे एम्फोटेरिक. क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक. आओ आगे, पीछे आ जाओ, जरा पीछे आ जाओ. हमारे पास है ग्रुप नंबर 5 को क्या नाम दिया जा रहा है? बेसिक. बेसिक ऐसी है NH3 बेसिक, अमोनिया बेसिक है. ये क्या है बताओ, बता दो भाई. आवाज आ रही है मेरे बच्चों? जी जी सर, आवाज आ रही है मगर किसी को आंसर नहीं पता. अच्छा, ये वाला सीन है. मैं घबरा गया, मैंने कहा शायद फिर इंटरनेट में, इंटरनेट देखने के लिए जरा आगे आ गया था, मैंने कहा शायद फिर इंटरनेट के मसाइल हो गए, मेरी आवाज नहीं जा रही. मैंने सवाल ये किया कि क्या अमोनिया बेसिक है या नहीं है. तो यार तुम लोग सब पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो? तुम लोग को याद वाद नहीं रहती चीजें? तुम लोगों ने अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, तुम लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, लॉरी ब्राउन से थ्योरी पढ़ रहे थे, उसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ी थी 9th क्लास में, तो बहुत प्रोमिनेंट अंदाज में पढ़ी थी कि NH3+HCl का केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर HCl को कंसिडर करते हैं एज एन एसिड. अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट द H पॉजिटिव आयन इज नोन एज द एसिड. तो HCl H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है. A substance which can accept the H positive ion is known as base. तो अमोनिया जो है वो NH3 जो है, जिसमें मैं कल एग्जाम्पल आपको दे रहा था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, याद है सबको? याद है भैया? क्या हो गया बच्चों? बोल दो यार, तुम लोग कहाँ चले गए? सर हमने गए थे, आप गए थे. अच्छा मैं गया था, मैंने अच्छा, मैं यही समझा, मैंने कहा तुम लोग इतना भी नोटिस नहीं कर रहे. खैर बहरहाल, चलो कहानी ये थी, मैं पूछ रहा था कि आप लोगों ने पढ़ा है ना 9th में ये सब कुछ, 9th